राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी मंगलवार को उत्तर प्रदेश की एक दिन की यात्रा पर थे। वाराणसी के बाबतपुर हवाई अड्डे पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बीएल जोशी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति वहां से इलाहाबाद के मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 9वें दीक्षांत समारोह में पहुंचे। यहां उन्होंने कुछ विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की और विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा, दुनिया के शीर्ष शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों की सूची में भारतीय विश्वविद्यालयों को जगह कम मिल पाई है। उन्होंने देश में अनुसंधान कार्य के विस्तार की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि इस मामले में भारत चीन जैसे अन्य देशों से अभी काफी पीछे है। उन्होंने कहा कि देश में उच्च शिक्षा के स्तर को इतना ऊंचा करना होगा कि भारत की बढ़ती आर्थिक हैसियत के ये अनुरूप हो। I want to share with you my sense of disappointment on seeing in the recent reports that not a single India's university or institution of higher learning figures in the list of 200 universities in the world. There is urgent need to develop a curriculum that will encourage the growth of research and innovation, to provide greater access to quality higher education to larger number of the students. The financial assistance offered must increasingly offer a mix of scholarships, education loans and self-help plans such as Earn While You Learn. राष्ट्रपति इलाहाबाद से वापस वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय पहुंचे। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की 150वीं जयंती के स्मरणोत्सव कार्यक्रम के समापन और विशेष दीक्षांत समारोह के मौके पर राष्ट्रपति ने इंटर कल्चरल स्टडीज और सेंटर फॉर ह्यूमन वैल्यूज एंड स्टडीज का शिलान्यास किया। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय में आज भी पारंपरिक शिक्षा के साथ ही साथ आधुनिक शिक्षा की पढ़ाई होती है और यहाँ के पढ़े विद्यार्थी पूरी दुनिया में नाम कमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मालवीय जी ने हमेशा नैतिक शिक्षा पर बल दिया और विश्वविद्यालयों ने सामाजिक बदलाव और मानव मूल्यों को बनाए रखने में बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि मालवीय जी की सोच थी कि शिक्षा के माध्यम से ही देश का सही विकास हो सकता है और शिक्षा के माध्यम से ही सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव लाया जा सकता है। मालवीय जी डेडिकेटेड हिज होल लाइफ इन द सर्विस ऑफ आवर नेशन। स्टेट्समैन, स्कॉलर, एजुकेशनिस्ट, जर्नलिस्ट, सोशल रिफॉर्मर एंड लेजिस्लेटर, हिज कंट्रीब्यूशन टू द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया has been immense and varied. He was one of the foremost architects of modern India and also one of the most outstanding leaders of our freedom struggle. काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इस विशेष दीक्षांत समारोह में नेपाल के राष्ट्रपति राम वरण यादव को पीएचडी की मानद उपाधि भी प्रदान की गई। इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति ने मालवीय जी की स्मृति में विशेष सिक्के भी जारी किए। इस मौके पर यूपी के राज्यपाल बीएल जोशी, केंद्रीय संस्कृति मंत्री चंद्रेश कुमारी कटोच और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री नमो नारायण मीणा सहित काफी संख्या में शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग मौजूद थे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक और जहां इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान के 9वें दीक्षांत समारोह में उच्च गुणवत्ता वाली रिसर्च की बात पर बल दिया, तो वहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उन्होंने महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की खूबियों को गिनवाया। कैमरामैन सी के अशोक के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।